हाँ तो अपन बच्चों आज क्या शुक्राणु की संरचना है उसका अध्ययन करेंगे। शुक्राणु की संरचना के बारे में आपको बताएंगे, समझाएंगे शुक्राणु की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना। ये दो नंबर का क्वेश्चन आता है, एक दो बार बोर्ड में क्या है कि शुक्राणु की संरचना आर की है और शुक्राणु की संरचना का चित्र बनाओ। शुक्राणु को इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म, क्या कहते हैं स्पर्म। अब क्या होता है, शुक्राणु बनने में लगभग 70 से 72 दिन का समय लगता है और यौवन अवस्था आरंभ होने के बाद शुक्राणु बनते हैं। एक बार जब वीर्य निकलता है तो उसके अंदर 30 से 40 करोड़ शुक्राणु बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब शुक्राणु के बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। शुक्राणु के तीन, शुक्राणु एक गतिशील संरचना होती है। सबसे पहली विशेषता क्या, शुक्राणु एक गतिशील संरचना है, ठीक है। दूसरी विशेषता ये क्या है, चम्मच के आकार का होता है मनुष्य में, कैसे आकार का होता है, चम्मच के आकार का शुक्राणु होता है मनुष्य में। अलग अलग जंतुओं में अलग अलग आकार का, लेकिन मनुष्य में चम्मच के आकार का शुक्राणु होता है। ये गतिशील संरचना है, ठीक है, यानी ये गतिशील संरचना होती है, चम्मच के आकार का ये शुक्राणु होता है। फिर उसके बाद आपको बताना है ये अंडाणु को सक्रियण करता है। इसका पहला काम होता है अंडाणु का सक्रियण करना, ये द्वितीय गर्भ सूत्र विभाजन को प्रेरित करता है। अंडाणु का सक्रियण करता है और द्वितीय गर्भ सूत्र विभाजन को ये प्रेरित करता है। द्वितीय गर्भ सूत्र विभाजन है उसको ये क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट विशेषता बतानी है, इसके अंदर क्या होता है, शुक्राणु के अंदर पैतृक गुण सूत्र होते हैं। जो पैतृक गुण सूत्र होते हैं वो शुक्राणु के अंदर पाए जाते हैं, इनको ये क्या करता है, संतान में पहुंचाने का कार्य करता है। पैतृक गुण सूत्रों को संतान में पहुंचाने का कार्य करता है, यानी अनुवांशिक सूचनाओं के वाहक का कार्य करता है। जो पैतृक की अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं उनको संतान में पहुंचाने का कार्य ये करता है, ठीक है। तो शुक्राणु एक गतिशील संरचना है, चम्मच के आकार का होता है। इसका सबसे पहला काम होता है अंडाणु को सक्रियण करना, यानी द्वितीय गर्भ सूत्र विभाजन अंडाणु में प्रेरित करना। दूसरा, जो पैतृक गुण सूत्र है उसको संतान में पहुंचाना, जो पिता के गुण है, पिता के जैसी संतान होती है उसका कारण है ये शुक्राणु। पिता के से शुक्राणु होते हैं वो अपनी संतान के अंदर गुण सूत्र होते हैं वो जाते हैं शुक्राणु के माध्यम से। अनुवांशिक सूचनाओं को संतान में पहुंचाने का कार्य इसका होता है, माता पिता में से पिता के गुण होते हैं वो संतान में पहुंचाने का काम है शुक्राणु। ये वर्षण में बनते हैं, कहां बनते हैं, वर्षण की शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर इनका निर्माण होता है। जो वर्षण की शुक्र जनन नलिका होती है जिनको अपन रेता नलिका भी कहते हैं, शुक्र जनन नलिका या रेता नलिका, या जिनको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, उनके अंदर शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है शुक्राणु बनते कहाँ हैं, वर्षण की शुक्र जनन नलिका, रेता नलिका या सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर शुक्राणु बनते हैं। अब अपन शुक्राणु के भाग पढ़ते हैं। शुक्राणु का सबसे पहला भाग होता है शीर्ष भाग, सबसे पहला भाग है शुक्राणु का शीर्ष भाग। दूसरा गिरवा, कुछ किताबें गिरवा देती नहीं है लेकिन गिरवा भाग होता है, अलविकसित होता है। फिर उसके बाद मध्य भाग और फिर पुंच भाग, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ गिरवा भाग। तो शुक्राणु के चार भाग है, शीर्ष भाग, गिरवा भाग, मध्य भाग और पुंच भाग। अब अपन इनका चित्र बनाएंगे एक शुक्राणु का और अलग अलग भागों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शुक्राणु की संरचना में, शुक्राणु एक गतिशील आकार संरचना है जो कि गोल संरचना शुक्राणु पूर्वी से बनती है। ये गतिशील संरचना चम्मच के आकार का है, ये अंडाणु को सक्रियण करता है। जैसे ये अंडाणु है, ये अंडाणु के संपर्क में जैसे शुक्राणु आएगा इसके अंदर द्वितीय गर्भ सूत्र विभाजन होगा और अंडाणु प्लस क्या बनेगा, ध्रुवकाय। ये द्वितीय गर्भ कोशिका है, ये द्वितीय गर्भ कोशिका जैसे ही शुक्राणु के संपर्क में आती है इसमें अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होगा और अंडाणु और ध्रुवकाय बनेगी। तो ये अंडाणु का सक्रियण करेगा, इसके अलावा ये द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करेगा, पैतृक गुण सूत्रों को संतान में पहुंचाएगा। ये क्रिया के शुक्राणु बनते कहां है, ये वर्षण की शुक्रजन नलिका या रेता नलिका में बनते हैं। फिर उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहते हैं, ये वर्षण की शुक्रजन नलिका पाई जाती है उसके अंदर ये बनते हैं। शीर्ष भाग, गिरवा भाग, मध्य भाग और पुंच भाग, इसके चार भाग होते हैं शुक्राणु के, ठीक है। थैंक यू बच्चों, देखो आगे। अब वह शुक्राणु है उसका एक चित्र बनाते हैं। सबसे पहले ये शुक्राणु का एक डायग्राम देखो बच्चों, डायग्रामेटिक। अपन ये अगला भाग वो तिकोना भाग होता है, शुक्राणु का शीर्ष भाग तिकोना होता है और शुक्राणु का ये गिरवा भाग है और ये मध्य भाग है, क्या है, ये मध्य भाग है।
और ये पुंछ भाग है। इस तरह का एक डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। ये डायग्राम कई बार पूछा जाता है परीक्षा के अंदर कि शुक्राणु का आप चित्र बनाओ, तो आपको चित्र बनाना आना चाहिए। शुक्राणु के पूरे शुक्राणु के चारों तरफ क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली का आवरण पाया जाता है। शुक्राणु के चारों तरफ किसका आवरण होता है, प्लाज्मा झिल्ली का आवरण होता है। पूरे शुक्राणु के चारों तरफ ये प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। ये शुक्राणु की पूंछ है। इस तरह से आपको इसमें डायग्रामेटिक बनाना है। शुक्राणु का शीर्ष भाग तिकोना होता है और इसमें सबसे आगे पाया जाता है टोपी के आकार की संरचना। शुक्राणु के शीर्ष भाग में एक टोपी जैसी संरचना होती है। ये इस तरह से एक टोपी जैसी संरचना है शुक्राणु के शीर्ष भाग में। शुक्राणु के शीर्ष भाग में एक टोपी जैसी संरचना होती है। इस तरह से टोपी जैसी संरचना है, ये टोपी जैसी संरचना है। इसका नाम होता है एक्रोसोम। क्या होता है, एक्रोसोम। ये टोपी जैसी संरचना है एक्रोसोम। इसका निर्माण बहुजीकाय से होता है। इसमें अंडावरक को गलाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। एक्रोसोम इस तरह का होता है, अंडावरक झिल्ली को गला देते हैं। ये एक्रोसोम एक टोपी जैसी संरचना है जिसको अपन क्या कहते हैं, इसके पीछे, इसके ठीक पीछे केंद्र पाया जाता है। इसके ठीक पीछे क्या पाया जाता है, केंद्र। इस तरह से केंद्र होता है। जैसा केंद्र का आकार होगा वैसा ही शुक्राणु का आकार होगा। ये केंद्र है, लेकिन ये ध्यान रखना है केंद्र के जो झिल्ली बनाओ उसमें छिद्र ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। केंद्र की झिल्ली में ज्यादा छिद्र नहीं होते हैं। इसमें ये झिल्ली बनानी है आपको इस तरह से। ये केंद्र के चार तरफ दो झिल्लियां बनानी है आपको। केंद्र के चार तरफ दो झिल्लियां होती है इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ इस तरह से आपको संघनित बना देना है। क्या करना है, अनुवांशिक पदार्थ आपको यूं संघनित बनाना है। ये अनुवांशिक पदार्थ आपने यूं बनाया, ये अनुवांशिक पदार्थ संघनित है, ठीक है। अब इसके पीछे क्या है, आप तारक काय बढ़ाओगे। क्या बनाओगे, इसके पीछे आपको तारक काय बनाना है। ये एक तारक काय, तो इसके ये केंद्र के पीछे गर्त में स्थित ऐसे बनाना है। इस तरह से ये केंद्र के पीछे गर्त में एक तारक काय बनाना है और इस तारक काय के ठीक 90 डिग्री पे एक तारक काय और बनाना है। इस तरह से ये, इस तरह से एक तारक काय और बनाओगे। तारक काय, ये दो तारक काय बनाने, एक समीपस्थ तारक काय है और एक दूरस्थ तारक काय। आपको दो तारक काय बनाना, ठीक है। अब इसके बाद में आपको यहां से ये तर्कु तंतु निकालने, क्या करना है, स्पिंडल फाइबर्स निकालने। ये तर्कु तंतु आप बनाओगे इस तरह से। ये तर्कु तंतु थोड़े क्या करते हैं, इधर ले लेते हैं तर्कु तंतु, बाल माइट्रोकॉन्ड्रिया बना लेंगे। ये तर्कु तंतु है इस तरह, ये तर्कु तंतु होते हैं। ये तर्कु तंतु बनाने हैं आपको इस तरह से, स्पिंडल फाइबर बनाने हैं, ठीक है। ये तर्कु तंतु बनाए। अब मध्य भाग में आप क्या करोगे, मध्य भाग में आपको माइट्रोकॉन्ड्रिया बनाने, मध्य भाग में आपको क्या बनाने हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया। इस तरह से ये माइट्रोकॉन्ड्रिया बनेंगी। मध्य भाग के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया का निर्माण होगा। मध्य भाग के अंदर ये माइट्रोकॉन्ड्रिया बन गए, ठीक है। ये मध्य भाग में माइट्रोकॉन्ड्रिया आपको क्या करने है, सर्पिल आकार बनाने। कैसे बनाने, सर्पिल आकार। इस तरह से ये माइट्रोकॉन्ड्रिया बनेंगे। ये सर्पिलाकार माइट्रोकॉन्ड्रिया को अपन कहते हैं निबियन कर्ण। क्या कहते हैं, निबियन कर्ण कहते हैं। ये सर्पिलाकार व्यवस्था है, इसको कहते हैं निबियन कर्ण, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया। इसके चारों तरफ एक प्लाज्मा झिल्ली और बना देते हैं। शुक्राणु के चारों तरफ दो और एक प्लाज्मा झिल्ली होती है, दो प्लाज्मा झिल्ली होती है। इस तरह से ध्यान रखना है, ये दो प्लाज्मा झिल्लियां आपको बनानी है, ठीक है। दो और एक प्लाज्मा झिल्ली आपको बनानी है। ये इस तरह से प्लाज्मा झिल्ली का आवरण बना देना है। ये आपने प्लाज्मा झिल्ली एक और बना दी। आपको डायग्राम एकदम अच्छा बनाना है, रंगीन बनाना, बिल्कुल ताकि सुंदर और सुस्पष्ट दिखे। शुक्राणु की संरचना है, उसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। वो क्वेश्चन भी आपको बताएंगे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं इसमें। पहले आप डायग्राम पे कंसंट्रेट करें कि आपको डायग्राम अच्छा बनाना है, ठीक है। ये आपने डायग्राम बना दिया है, इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। अब अपन शुक्राणु है, इस शुक्राणु के तीन भाग है, चार भाग है, उनका अलग अलग नाम लिख रहे हैं। सबसे पहला भाग है जिसको अपन कह रहे हैं शीर्ष भाग। कौन सा भाग कह रहे हैं, शीर्ष भाग। फिर उसके बाद ये गिरवा भाग है, गिरवा बहुत अल्पविकसित भाग होता है। फिर ये मध्य भाग है और सबसे आखिर में जो भाग है उसका नाम है पुंछ भाग। क्या है, पुंछ भाग, ठीक है। ये भाग होते हैं बच्चों। अब शीर्ष भाग में आपको दो भाग बताने हैं। एक भाग का नाम है एक्रोसोम। क्या है, एक्रोसोम है। और दूसरा भाग है जिसका नाम है केंद्रक। केंद्रक में आप बताओगे अनुवांशिक पदार्थ। क्या बताओगे, अनुवांशिक पदार्थ क्रोमेटिन है, अनुवांशिक पदार्थ है।
फिर गिरवा के अंदर एक सेंट्रियोल बनाना समीपस सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल है जिसका नाम है समीपस सेंट्रियोल और दूसरा है जिसका नाम है दूरस सेंट्रियोल। दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे स्थित होते हैं। ये दूरस सेंट्रियोल है दूरस तारक का है, दूरस तारक का है, तारक का है। फिर ये पे यहां माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है और ये अक्षीय तंतु है, क्या है? ये आसमानी आसमानी कलर के अपन को क्या बनाना है? अक्षीय तंतु, ठीक है। पूंछ अपन उधर लिख देते हैं, ये पूंछ अपन ऐसे लिख देते हैं, ये पूंछ। फिर उसके बाद आपको बताना है अब क्या यहां पे इसमें एक चित्र में आपको एक संरचना और बनानी है। यहां पे दो मुद्री का सेंट्रियोल बनाना है, दो मुद्री का सेंट्रियोल ऐसे बनाने हैं। ये सेंट्रियोल माइटोकॉन्ड्रिया को पूंछ में आने से रोकते हैं। दो मुद्री का सेंट्रियोल है, दो कैसे सेंट्रियोल है? मुद्री का सेंट्रियोल है, कैसे सेंट्रियोल है? मुद्री का तारक काय है, तारक केंद्र है, सॉरी, ठीक है। ये पूंछ में माइटोकॉन्ड्रिया को आने से रोकेंगे। अब इस मध्य भाग में आपको एक कोशिका द्रव्य की एक पतली परत बनानी है। इस तरह से मध्य भाग में एक कोशिका द्रव्य की आप एक पतली परत बनाओगे। मध्य भाग में आपको कोशिका द्रव्य की एक पतली परत बनानी है जिसको कहते हैं मैनचेट। क्या कहते हैं? मैनचेट कहते हैं। मध्य भाग में आपको कोशिका द्रव्य की एक पतली परत बनानी है, उस परत का नाम लिखना है मैनचेट। क्या लिखना है? मैनचेट। तो इस तरह से आपने क्या देखा? आपने देखा कि शुक्राणु का शेष भाग है, गिरवा भाग है, मध्य भाग और पूंछ भाग है। अब यहाँ पे ये पूंछ भाग है, इसमें क्या है? मुद्री का सेंट्रियोल, रिंग सेंट्रियोल है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को पूंछ में आने से रोकती है। एक बार ये सवाल आ रखा है कि मुद्री का सेंट्रियोल का कार्य बताओ, तो मुद्री का सेंट्रियोल का काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया को पूंछ भाग में आने से रोकना। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मध्य भाग में होते हैं और ये सर्पिलाकार आकृति व्यवस्थित होते हैं, इसको अपन कहते हैं निभेंकर्ण आच्छद। क्या कहते हैं? निभेंकर्ण आच्छद के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये निभेंकर्ण आच्छद कहते हैं, मध्य भाग होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अक्षीय तंतु के चारों ओर सर्पिलाकार व्यवस्थित है, इस सर्पिलाकार व्यवस्था को निभेंकर्ण कहते हैं। अब अपन कहते हैं ये मध्य भाग है, ये जैसे मोटरसाइकिल में इंजन होता है उस इंजन की तरह काम करता है। मध्य भाग में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण की क्रिया करता है और ऊर्जा बनाता है। क्या करता है? ऊर्जा बनाता है और शुक्राणु क्या करता है? गति करता है, यानी एटीपी का निर्माण करेगा और एटीपी का निर्माण करने के कारण क्या होगा? शुक्राणु गति करेगा। अब ये जो शुक्राणु का शीर्ष भाग है, यहाँ प्लाज्मा झिल्ली में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है एंटी फर्टिलाइजिन। क्या होता है? एंटी फर्टिलाइजिन, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है एंटी फर्टिलाइजिन, अम्लीय प्रोटीन है। ये शुक्राणु को क्या करता है? अपनी जाति के अंडाणु को पहचानने में सहायता करता है। तो अपन शुक्राणु की संरचना पढ़ रहे हैं। शुक्राणु का शीर्ष भाग, गिरवा भाग, मध्य भाग और पूंछ भाग है। अब अपन एक एक भाग का वर्णन करेंगे। क्या करेंगे? एक एक भाग है उसका वर्णन करेंगे। अब अपन एक एक भाग है उसका वर्णन करेंगे। सबसे पहले अपन शुक्राणु के शीर्ष भाग को लेंगे। तो शुक्राणु के शीर्ष भाग में क्या होता है? दो तरह की संरचना होती है, एक का नाम होता है केंद्रक और एक का नाम होता है एक्रोसोम। कितनी संरचना होती है? दो होती है, ठीक है। अब अपन कहते हैं इसका हिंदी में नाम भी है अग्रकोरक। क्या नाम है? अग्रकोरक। सबसे पहले केंद्रक के बारे में बताते हैं। केंद्रक का जैसा आकार होता है वैसे ही शुक्राणु का आकार होता है। केंद्रक का आकार शुक्राणु के आकार को निर्धारित करता है। केंद्रक का आकार किसके आकार को निर्धारित करता है? शुक्राणु के आकार को निर्धारित करता है। जैसा केंद्रक का आकार वैसा शुक्राणु का आकार। फिर उसके बाद आपको बताना है इसमें केवल अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? केवल अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर केवल अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं जो संघनित अवस्था में होते हैं। अब इसमें क्या होता है? जो आयुग्मित गुणसूत्र है उनमें एक प्रोटीन पाया जाता है। आयुग्मित गुणसूत्र होते हैं वो एक प्रोटीन से बंधित होते हैं। आयुग्मित गुणसूत्र एक प्रोटीन से बंधित होते हैं जिसको कहते हैं प्रोटोमीन। क्या कहते हैं? प्रोटोमीन। ये अपने को याद रखना है, ठीक है। तो आयुग्मित गुणसूत्र एक प्रोटीन से बंधित होते हैं जिनको कहते हैं प्रोटोमीन। तो इसमें अनुवांशिक पदार्थ है जो संघनित अवस्था में पाया जाता है, यानी क्रोमेटिन संघनित होता है। क्रोमेटिन कैसा होगा? संघनित होगा। क्रोमेटिन किस तरह का होता है? संघनित होता है, ठीक है।
केंद्रिका का अभाव होता है, केंद्रिका का अभाव होता है, ठीक है। इसके अलावा केंद्रक द्रव्य भी पाया नहीं जाता है, केंद्रक द्रव्य की भी कमी होती है, ये आरएनए है उसका भी अभाव होता है, केवल अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता। तो केंद्रक पूरा हो गया है। सबसे पहले आप बताओ कि केंद्रक का आकार जैसा होगा वैसे ही शुक्राणु का आकार होगा, इसमें केवल अनुवांशिक पदार्थ यानी क्रोमेटिन सन्निहित पाए जाते हैं और अयुग्मित गुणसूत्र होते हैं वो एक प्रोटीन के साथ में जुड़े रहते हैं, प्रोटीन का नाम होता है प्रोटोमीन। फिर क्रोमेटिन सन्निहित अवस्था में केंद्रिका का अभाव होता है। ये सवाल आता है क्या केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है, तो आपको बताना केंद्रिका का अभाव होता है, केंद्रक द्रव्य नहीं पाया जाता है, आरएनए नहीं पाया जाता है और जल अधिकांश जल का निष्कासन हो जाता है, इसमें जल का भी अभाव होता है, जल बहुत ही कम मात्रा में होता है, अपन कह सकते हैं जल का लगभग अभाव ही होता है, यानी ये बहुत ही हल्का बनाने के लिए इसको किया गया है। तो इसमें मेन सवाल ये पूछा जाता है कि केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ किस अवस्था में पाए जाते हैं, सन्निहित अवस्था में पाए जाते हैं, ये अपने को ध्यान रखना। केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली है, उसमें केंद्रक छिद्र भी नहीं होते हैं, ज्यादा आपको केंद्रक छिद्र भी नहीं बनाने हैं, केंद्रक छिद्रों का अभाव होता है, ठीक है। अब अपन एक्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे, एक्रोसोम क्या होता है, तो अपने को एक एक चीज है उसको कंठस्थ याद कर लेना है। सवाल आ सकता है गुणसूत्र की संरचना का चित्र बनाओ, तो ये सॉरी शुक्राणु की संरचना का चित्र बनाओ, ये मानव का शुक्राणु है, क्या है, मानव का शुक्राणु है। अब उसके बाद एक्रोसोम के बारे में आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है, एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है, ये सवाल कई बार एग्जाम में आ रखा है कि एक्रोसोम का निर्माण किस कोशिका से होता है, गोल्जी काय से। फिर उसके बाद आप बताओगे ये टोपी के समान संरचना है, किसके समान संरचना है, टोपी के समान संरचना होती है। फिर नेक्स्ट विशेषता आपको बतानी है, इसमें लयनकारी एंजाइम होते हैं, तेजाब के समान इसमें एंजाइम होते हैं, इसमें लयनकारी एंजाइम पाए जाते हैं, ये अंड आवरक झिल्ली को गलाते हैं, ये क्या करते हैं, अंड आवरक झिल्ली को गलाते हैं, जिससे शुक्राणु अंडाणु के भीतर प्रवेश कर जाता है। आपने देखा होगा कहीं तेजाब गिरता हुआ छेद हो जाता है, एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो लयनकारी एंजाइम होते हैं, लाइसिन प्रकृति के होते हैं, ये अंड आवरक झिल्ली को गलाते हैं और शुक्राणु तुरंत अंडाणु के अंदर घुस जाता है। एंजाइम के नाम आपको याद रखने हैं, सबसे पहला एंजाइम है हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज पहला एंजाइम है हाइलुरोनिडेज। दूसरा है एक्रोसीन, क्या है, एक्रोसीन। तीसरा है एक्रोसोमीन, क्या है, एक्रोसोमीन, क्या है, एक्रोसोमीन, एक्रोसीन। फिर उसके बाद बाइंडीन, क्या है, बाइंडीन है। फिर उसके बाद एसिड फास्फेटेज, एसिड फास्फेटेज, एसिड फास्फेटेज, एसिड फास्फेटेज, एसिड हाइड्रोलेज, एसिड हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज, एसिड हाइड्रोलेज, एसिड हाइड्रोलेज। फिर आप बताओगे कैटेफीन, क्या है, कैटेफीन, कई जगह कैथेप्सिन भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसको लिखा हुआ है कैथेप्सिन, क्या लिखा हुआ है, कैथेप्सिन, कैटेफीन को। तो ये एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करते हैं, मुक्त होते हैं, और जैसे ये शुक्राणु है ये अंडाणु के संपर्क में आया है तो इससे एंजाइम निकलेंगे और यहाँ पे छेद कर देंगे, क्या कर देंगे, और शुक्राणु तुरंत अंडाणु के भीतर घुस जाएगा। तो एक तरह से ये क्या है, ये आप बताओगे कि एक्रोसोम है उसका निर्माण गोल्जी काय से होता है, ये टोपी के समान संरचना है, इसमें बहुत सारे लयनकारी एंजाइम होते हैं जो लाइसिन प्रकृति के होते हैं, तेजाब के तरह कार्य करते हैं, ये अंड आवरक झिल्ली को बुलाते हैं। इसमें एंजाइम के नाम इंपॉर्टेंट है, आपको एंजाइम के नाम याद करने बच्चों। सबसे पहला एंजाइम है हाइलुरोनिडेज, दूसरा है एक्रोसीन, तीसरा एक्रोसोमीन, क्या है, एक्रोसोमीन, क्या है, एक्रोसोमीन। चौथा है बाइंडीन, पांचवा एसिड फास्फेटेज, छठा एसिड हाइड्रोलिज, सातवा है कैटेफीन, कैथेप्सिन भी कहते हैं, ये सब एंजाइम एक्रोसोम के अंदर होते हैं। अब अपन शुक्राणु की गिरवा पढ़ेंगे, क्या करेंगे, शुक्राणु की गिरवा पढ़ेंगे, कि शुक्राणु की गिरवा के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे, गिरवा क्या होती है। तो शुक्राणु की गिरवा है उसका अध्ययन करेंगे, भाई शुक्राणु की गिरवा है, एक्चुअल में कुछ बुक ने इसका वर्णन किया है, कुछ बुक ने इसका वर्णन किया नहीं है,
ये शुक्राणु के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली पूरे शुक्राणु के चारों ओर पाई जाती है, ध्यान रखना। गिरवा भाग की विशेषता आप बताओगे, गिरवा भाग में दो सेंट्रियोल होते हैं, एक का नाम होता है समीपस्थ तारक केंद्र और दूसरे का नाम होता है दूरस्थ तारक केंद्र। दो तारक केंद्र होते हैं गिरवा में, समीपस्थ तारक केंद्र और दूरस्थ तारक केंद्र, ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। समीपस्थ तारक केंद्र और दूरस्थ तारक केंद्र ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। ये समीपस्थ तारक केंद्र है और ये क्या है, दूरस्थ तारक केंद्र है। दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पे स्थित होते हैं। ये आपको बताना है, समीपस्थ तारक केंद्र पीछे केंद्र के पीछे गर्त में स्थित होता है। ये केंद्र के पीछे गर्त में स्थित होता है, जो केंद्र के पीछे गर्त है उसमें स्थित होता है। और विदलन के समय ये युग्मनज के विदलन को प्रेरित करता है, इसका कार्य पूछा जाता है। ये युग्मनज के विदलन को प्रेरित करता है, ये युग्मनज के विदलन को प्रेरित करता है और माइटोटिक तंतु बनाता है। और क्या बनाता है, माइटोटिक तंतु। सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है कि माइटोटिक तंतु यानी जो युग्मनज है उसके विदलन को कौन प्रेरित करता है, माइटोटिक तंतु का निर्माण कौन करता है, तो ये समीपस्थ तारक केंद्र निषेचन के बाद, निषेचन के बाद किसके बाद, निषेचन के बाद किसके बाद, निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, युग्मनज के विदलन को प्रेरित करता है और निषेचन के बाद माइटोटिक तंतु बनाता है, निषेचन के बाद माइटोटिक तंतु बनाता है, निषेचन के बाद माइटोटिक तंतु बनाता है। ये क्वेश्चन आता है सीधा परीक्षा में, सवाल आता है कि माइटोटिक तंतु का निर्माण समीपस्थ तारक केंद्र करता है या दूरस्थ, तो निषेचन के बाद माइटोटिक तंतु कौन बनाता है, समीपस्थ तारक केंद्र। ये केंद्र के पीछे गर्त में स्थित है, युग्मनज के विदलन को प्रेरित करता है, युग्मनज का विदलन होता है, दो कोरखंड बनते हैं चार। अब दूरस्थ तारक केंद्र का काम होता है अक्षीय तंतु बनाता है, ये अक्षीय तंतु बनाता है जिससे शुक्राणु का ये आधार काय का कार्य करता है, ये आधार काय का कार्य करता है, आधार काय यानी बेसल बॉडी बनाता है और अक्षीय तंतु का निर्माण करता है जिससे मध्य भाग और पुंछ भाग बनती है। तो आपको बताना, ये अक्षीय तंतु का निर्माण करता है दूरस्थ तारक केंद्र, क्या करता है, दूरस्थ तारक केंद्र अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। तो गिरवा भाग में आप बताओगे दो तारक केंद्र है, समीपस्थ तारक केंद्र और दूरस्थ तारक केंद्र। समीपस्थ तारक केंद्र केंद्र के पीछे गर्त में स्थित है, ये केंद्र के पीछे गर्त में स्थित है, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे स्थित होते हैं। फिर उसके बाद ये समीपस्थ तारक केंद्र निषेचन के समय अंडाणु में चला जाता है, ये केंद्र के पीछे गर्त में स्थित है और युग्मनज के बाद विदलन क्रिया को प्रेरित करता है और निषेचन के बाद माइटोटिक तंतु बनाता है। यानी ये दोनों क्रियाएं सेम ही है, लेकिन परीक्षा में सवाल आता है समीपस्थ तारक केंद्र का काम लिखो, तो आपको बताना ये। फिर उसके बाद ये आधार काय बनाता है दूरस्थ तारक केंद्र जिससे अक्षय तंतु निकलते हैं, जिससे क्या निकलते हैं, ये आधार काय बनेंगे जिससे ये अक्षय तंतु निकलेंगे, ये अक्षय तंतु निकलेंगे, ऐसे ध्यान रखना है। ये अक्षय तंतु निकलेंगे किससे निकलेंगे, अक्षय तंतु इस दूरस्थ तारक काय से निकलेंगे, ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपन पढ़ेंगे मध्य भाग, क्या पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों एक, आप लोग चाहो तो इसके कार्य का। अब अपन मध्य भाग पढ़ेंगे, मध्य भाग में दो तीन सवाल आते हैं छोटे छोटे, निबंध का नाचन क्या है, यदि मध्य भाग को नष्ट कर दिया जाएगा क्या होगा, ठीक है। तो शुक्राणु का मध्य भाग है उसमें सबसे पहले आपको बताना है ये मोटर की तरह काम करता है, ये मोटर की तरह कार्य करता है, किसकी तरह, इंजन की तरह कार्य करता है, इंजन है ये, क्या है, इंजन है। इंजन निकाल देंगे क्या गति होगी, नहीं, तो मध्य भाग को नष्ट कर देंगे। मध्य भाग में है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो बनाता है ऊर्जा, क्या बनाता है, ऊर्जा यानी ऑक्सीकारी फास्फोलीकरण करता है और ऊर्जा बनती है और ये शुक्राणु गति करता है, ठीक है। तो आपको बताना है मध्य भाग के अंदर पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया अक्षीय तंतु के चारों ओर, माइटोकॉन्ड्रिया अक्षीय तंतु के चारों ओर, माइटोकॉन्ड्रिया अक्षीय तंतु के चारों ओर सर्पिलाकार व्यवस्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया अक्षीय तंतु के चारों ओर सर्पिलाकार व्यवस्थित होते हैं। कैसे आकार व्यवस्थित होते हैं, सर्पिलाकार, कैसे, सर्पिलाकार, जिग जैग, कैसे, जिग जैग, इस तरह से यूं बनाना है,
माइटोकॉन्ड्रिया अक्षय तंतु के चारों ओर सर्पिलाकार आकार में व्यवस्थित होते हैं। इसको कहा जाता है नेबेन कर्ण। क्या कहते हैं? निबेन कर्ण आच्छद, निबेन कर्ण आच्छद। ये सवाल पुटअप होता है, निबेन कर्ण आच्छद क्या है? तो आपको सीधा बताना है, मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया अक्षय तंतु के चारों ओर सर्पिलाकार आकार में व्यवस्थित होते हैं। फिर उसके बाद आता है इसके चारों तरफ कोशिका द्रव पतली परत के रूप में होता है। कोशिका द्रव पतली परत के रूप में होता है, कोशिका द्रव पतली परत के रूप में होता है, जिसे कहते हैं मैनचेट। क्या कहते हैं? मैनचेट। जिसे कहते हैं मैनचेट, मैनचेट। जिसे क्या कहते हैं? मैनचेट। फिर उसके बाद इसके अंतिम सिरे पर मुद्रिका सेंट्रियोल पाए जाते हैं। मुद्रिका मीन्स रिंग। क्या है? मुद्रिका मीन्स रिंग। सेंट्रियोल पाए जाते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया को पुंछ में आने से रोकते हैं। ये सवाल भी एक बार बोर्ड में आ रखा है कि मुद्रिका सेंट्रियोल, रिंग सेंट्रियोल क्या करते हैं? पुंछ में आने से रोकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को पुंछ भाग में आने से रोकते हैं। ठीक है, तो ये अपने ध्यान रखना है मध्य भाग में। अब सवाल आता है मध्य भाग को नष्ट कर देंगे क्या होगा? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण नहीं होगा, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण नहीं होगा। क्या नहीं बनेगी? ऊर्जा नहीं बनेगी और शुक्राणु गति नहीं कर पाएगा। आपको लिखना है गति। क्या लिखना है? शुक्राणु गति नहीं कर पाएगा। ये आपको लिखना है, शुक्राणु गति नहीं कर पाएगा। अगर आपने गति शब्द नहीं लिखा है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे कि ये शुक्राणु गति नहीं कर पाएगा। तो ये ध्यान रखना है इसमें। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये अब अपन पूंछ भाग का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? पूंछ भाग का। पूंछ भाग में दो खंड होते हैं, एक होता है मुख्य खंड और एक होता है अंतिम खंड। पूंछ भाग में दो खंड होते हैं, एक होता है मुख्य खंड, एक होता है अंतिम खंड। इनमें अक्षय तंतु का बना होते हैं। ये दोनों किसके बने होते हैं? अक्षय तंतु का। आपको डायग्राम याद रखना है मुख्य खंड और अंतिम खंड का। मुख्य खंड में क्या होता है, इस तरह से ये नौ फिलामेंट्स होते हैं, दोहरे। क्या होते हैं? एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, नौ दोहरे तंतु होते हैं। नौ कैसे तंतु होते हैं? दोहरे। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, और ये हो गए नौ। नौ दोहरे तंतु होते हैं। कितने? इसमें भी नौ दोहरे तंतु होते हैं, अंतिम खंड में भी। एक दो, 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 तीन चार पांच छ सात आठ, और ये एक और बनाते हैं। क्या करते हैं? नौ होते हैं। कैसे होते हैं? नौ डबलेट, नौ दोहरे अक्षय तंतु होते हैं। फिर इसमें क्या होते हैं, केंद्र में दो दोहरे तंतु, केंद्र में दो तंतु होते हैं। कैसे होते हैं? दो दोहरे तंतु होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से बनाने दो। इसमें भी ये दो तंतु हैं। इसको कहते हैं नौ प्लस दो व्यवस्था, नौ प्लस दो व्यवस्था। इसको कहते हैं नौ प्लस दो व्यवस्था। तो मुख्य खंड में क्या होता है, मुख्य खंड है ये। क्या है? मुख्य खंड है और ये अंतिम खंड है। इसमें अक्षय तंतु की व्यवस्था है, लेकिन एक फर्क है। मुख्य खंड में क्या होते हैं, ये नौ दोहरे तंतु हैं जो बाहर की तरफ है, उनके साथ जुड़े हुए एक एक मोटे खंड और होते हैं, एक एक मोटे अक्षय खंड और होते हैं। इसमें एक एक मोटे अक्षय खंड बाहर की ओर और होते हैं। ये एक एक मोटे अक्षय खंड बाहर की ओर और होते हैं, एक एक मोटे अक्षय खंड बाहर की ओर और होते हैं। ये थोड़ा फर्क है। तो इसमें आप देखोगे नौ प्लस दो, नौ कैसे हैं? नौ डबलेट। कैसे हैं? नौ डबलेट है, द्विक है। नौ द्विक क्या है? नौ द्विक प्लस क्या है? दो। नौ द्विक प्लस दो, नौ द्विक प्लस दो। लेकिन इसमें फर्क है, प्लस इसके आगे क्या आएगा? नौ एकल, नौ एकल, नौ एकल परिधीय तंतु हैं, नौ एकल परिधीय तंतु हैं, नौ एकल परिधीय तंतु हैं। फिर नौ दोहरे परिधीय तंतु हैं, नौ दोहरे परिधीय तंतु हैं। फिर दो केंद्रीय तंतु हैं, दो केंद्रीय तंतु हैं, दो केंद्रीय तंतु हैं।
नौ एकल परिधि तंतु, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और नौ, नौ दस तो नहीं बन गए बच्चों, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ ही बने, नौ एकल परिधि तंतु बाहर की ओर, नौ अकेले परिधि तंतु है, मोटे तंतु है, कैसे हैं, मोटे अक्षीय तंतु है, और ये इसके ठीक अंदर में नौ द्विक तंतु है, नौ द्विक परिधि तंतु, ये भी परिधि है, और दो केंद्रीय तंतु हैं, दो केंद्रीय तंतु, इसमें नौ परिधि तंतु हैं, नौ परिधि तंतु हैं, नौ परिधि तंतु हैं, लेकिन दो रहे और दो केंद्रीय तंतु हैं, से ठीक बीच में हैं, दो केंद्रीय तंतु हैं, तो ये इस तरह से इसमें पुंछ में ये अक्षीय तंतु और केंद्रीय तंतु पाए जाते हैं। पुंछ का काम होता है गति में सहायता करना, क्या करना, गति में सहायता करना, ये आपको अंतर पता होना चाहिए मुख्य खंड और अंतिम खंड में। तो इस तरह से आप ये आपने देखा और मेरा वीडियो देखा, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं आपको दो क्वेश्चन पूछूंगा, सबसे पहला है शुक्राणु के मध्य भाग को नष्ट कर दिया जाएगा क्या होगा, दूसरा सवाल मेरा ऐसा है कि निपेंड कर्ण आच्छद किसे कहते हैं, तीसरा सवाल एक और पूछ लेता हूं, शुक्राणु के शीर्ष भाग में जो एक्रोसोम पाए जाता है उसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और आपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताएं और शुक्राणु की संरचना का चित्र एक बार बनाने की प्रैक्टिस करें। आप लोग इस पूरे चित्र को देखें ध्यान से और बनाएं। थैंक यू।